हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश सिंह पर पुनः स्वागत है। और आप लोग स्टूडेंट्स इस इमेज को तो देखे ही होंगे जो कि अभी हाल फिलहाल में ये मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है। देखिए इसमें हम इस वीडियो में सारा कुछ आप लोग को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, कि आप लोग का एडमिट कार्ड का क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है, और इसके साथ ही कि कौन सा सब्जेक्ट का कब होगा वो चीज़ भी बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम छूट गया, उनको क्या उपाय करना पड़ेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इस इमेज के माध्यम से हम दिखाएंगे स्टूडेंट्स कि कौन सा तारीख को होने वाला एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। देखिए 2 तारीख को जो होने वाला था वो 14 तारीख को होगा, 3 तारीख को होने वाला 15 को होगा, 4 तारीख को होने वाला 18 को होगा। आपके एडमिट कार्ड में देखना है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में अगर 2 तारीख जो एग्ज़ाम दिया हुआ था वो चीज़ 14 तारीख को होगा, जो जिसका एग्ज़ाम 3 तारीख को दिया हुआ था वो 15 को होगा, जो चीज़ 4 तारीख को दिया हुआ था वो 18 को होगा, ठीक है। इसी तरह से 6 को होने वाला 19 को होगा, 7 को होने वाला 21 को होगा, 8 को होने वाला 22 को होगा, 9 को होने वाला 24 को होगा, 10 को होने वाला 25 को होगा, 11 को होने वाला 26 को होगा, और 11 को या फिर इस डेट में कौन कौन विषय का होने वाला था वो भी अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। 13 को होने वाला 27 को होगा, 14 को होने वाला 28 को होगा, 15 को होने वाला 29 को होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया, ऑल एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन डेट 15 तारीख से जो शेड्यूल किया गया था वो फर्स्ट सिटिंग नाउ कंडक्टेड ऑन 29/6/2024 इन सेकेंड सिटिंग। जो 15 तारीख को ख़त्म होने वाला था आप लोग का एग्ज़ाम वो अब जो है सो 29 तारीख को ख़त्म होगा, ठीक है, और सेकेंड सिटिंग में ख़त्म होगा, इस तरह से बोला जा रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोग को दिखाते हैं अब हम कि किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं ना कि एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा स्टूडेंट्स, आप लोग को परेशान मत नहीं होना है, ठीक। वही एडमिट कार्ड लेके जाना है आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में, उसी एडमिट कार्ड को, पुराना वाला ही, ठीक है। और आप लोग को शेड्यूल का जो है स्टूडेंट्स आप लोग फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आपका कब है, या फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं किसी कॉपी में, और उस कॉपी का पन्ना जो है स्टूडेंट्स आप लोग जो है सो निकाल के लिख के रखिएगा, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम छूटे ना, ठीक है। और स्पेशल वालों और स्टूडेंट्स न्यू वालों दोनों का एग्ज़ाम छूट रहा है, बहुत ज़्यादा छूट रहा है। मेरे पास 2-3 केस आ गया कि 25 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया, बोला कि इंग्लिश का होगा तो न्यू वालों के साथ देंगे इस तरह से, और उसका छूट भी गया स्पेशल वालों का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अभी बताएंगे आप लोग को कि कब स्पेशल का होगा, कब न्यू वालों को होगा, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो आप लोग को स्क्रीन में जो दिख रहा है इस सेमेस्टर 1 का, ठीक है, 23/27, यानी ये न्यू वालों का, इसमें स्पेशल वालों का बिल्कुल भी कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो PDF आप लोगों के सामने दिख रहा है इससे बिल्कुल भी लेना देना स्पेशल वालों को नहीं, चाहे आपका 21/24 रहे, चाहे आपका 22/26 रहे, उससे कोई भी लेना देना इसमें नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं ना कि इसमें हिंदी हो रहा था उसी दिन मेरा हिंदी छूटा था उसी दिन जाके देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिनका सेशन 23/27 है वही सिर्फ इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, इस डेट को जाएंगे। और 22/26 वालों के लिए दूसरा हम बताएंगे, उसके अनुसार जाइएगा, और 21/24 का भी दूसरा बताएंगे तो उसके अनुसार जाइएगा, ठीक है। ये अभी हम बता रहे हैं 23/27 का, तो सिर्फ 23/27 वाले ही लिखिएगा आपका कब कब होगा। सो ये सारा जितना भी कॉमर्स का सब्जेक्ट है आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अकाउंटिंग है, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी है, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, संथाली, कुरमाली, ये सारा मेजर 1, और हिस्ट्री मेजर 1 जो है सो होगा 14 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख को होगा। सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री होगा, बाकी फर्स्ट सिटिंग में ये सारा सब्जेक्ट होगा। देखिए तो 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हिंदी मेजर 1 होगा, और सेकेंड सिटिंग में इंग्लिश, फिलोसफी, संस्कृत, खोटा, होम साइंस, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा होगा, ठीक है। अब देखिए 16 तारीख को तो नहीं होगा, तो अब देखिए 16 तारीख को क्या था स्टूडेंट्स, 16 तारीख को है संडे, ठीक है, 16 तारीख को इसलिए नहीं होगा कोई भी एग्जाम। अगर 17 तारीख को क्यों नहीं होगा, क्योंकि बकरीद या फिर कुछ ऐसा है, ठीक है, तो
नहीं होगा 17 तारीख को तो 18 तारीख को होगा। 18 तारीख को मेजर वन का होगा ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, LSW, जूलॉजी, उर्दू, इकोनॉमिक्स मेजर वन का फर्स्ट सीटिंग में, और मेजर वन पॉलिटिकल साइंस सेकंड सीटिंग में होगा 18 तारीख को ही। फिर 19 तारीख को देखिए क्या क्या हो रहा है। 19 तारीख को हो रहा है आप लोग का माइनर सब्जेक्ट चालू हो जाएगा 19 तारीख से। तो कौन कौन सा माइनर का होगा, हिंदी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होगा, इकोनॉमिक्स, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, संस्कृत, खोटा उर्दू, संथाली फिलोसफी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये सारा माइनर पेपर 19 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। सेकंड सीटिंग में क्या क्या होगा, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा माइनर वन सेकंड सीटिंग में होगा। ठीक है, अब देखिए माइनर वन ए हिस्ट्री सेट वन, कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की ये हिस्ट्री सेट वन होगा। तो हिस्ट्री जो जो माइनर में लिए हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री माइनर में लिए हैं, ठीक है, तो माइनर में लिए तो आपका कोई मेजर पेपर भी होगा ना। अगर आपका मेजर पेपर इंग्लिश है और आप माइनर में हिस्ट्री लिए हैं तब फर्स्ट सीटिंग में जाइएगा किसको, ठीक है। अगर आपका मेजर सोशियोलॉजी है, खोटा, हिंदी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, होम साइंस, संथाली, ये सारा है, तब अगर आप हिस्ट्री माइनर में लिए तब इस सीटिंग में जाइएगा। अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक्स है तो आपका माइनर अगर हिस्ट्री तो सेट टू वाले में जाइएगा, यानी सेकंड सीटिंग में, ठीक है। अगर आपका मेजर पेपर उर्दू, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, खोटा, इकोनॉमिक्स, हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, होम साइंस है और माइनर में आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो फर्स्ट सीटिंग 22 को जाइएगा। और अगर आपका मेजर पेपर हिस्ट्री, संस्कृत, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, एंथ्रोपोलॉजी एंड संथाली है तो अगर आपका माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो सीटिंग सेकंड सीटिंग में जाइएगा। अब देखिए MDC पॉलिटिकल साइंस 24 को होगा, फिर MDC सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा MDC सेकेंड सीटिंग में होगा। फिर 25 का फर्स्ट सीटिंग में होगा हिस्ट्री, होम साइंस, लेवन सोशल वेलफेयर MDC 1 होगा, और सेकेंड सीटिंग में होगा हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, मैथमेटिक्स, उर्दू, ज्योग्राफी होगा, ठीक है। अब 26 को MDC 1 में होगा कॉमर्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉमर्स, ई कॉमर्स, इनकम टैक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स होगा MDC 1, और 27 को होगा MDC 1 ट्रिवल डेवलपमेंट इंडिया, ट्रिवल मूवमेंट इन इंडिया, टिप्स एंड फॉरेस्ट और इंग्लिश, ये सारा MDC जो जो रखे हैं उनका 26 को सेकंड सीटिंग में होगा। और देखिए 27 से आपका सेक पेपर चालू होने वाला है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जिनका है स्टूडेंट्स, तो देखिए इंटरप्रेन्योरशिप आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए हैं तो आपका कोई मेजर पेपर होगा तो मेजर पेपर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जो मेजर पेपर जहाँ लिखा हुआ है उनका उसी सीटिंग में होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी है तो आपका इंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट सीटिंग में होगा 27 को। और अगर आपका मेजर पेपर हिस्ट्री, फिलोसफी, लेवन सोशल वेलफेयर, संस्कृत, संथाली, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, मैथ, सोशियोलॉजी है तो आपका इंटरप्रेन्योरशिप होगा 27 तारीख को सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। अगर आपका मेजर पेपर हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, खोटा, संस्कृत, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, उर्दू, होम साइंस, संथाली है तो आपका सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा 27 को फर्स्ट सीटिंग में। और अगर आपका मेजर पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस तो आपका सेक पेपर होगा सेकेंड सीटिंग में पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सेक पेपर यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप सेट 3 का हो रहा है 28 तारीख से, ठीक है। जो जो इंटरप्रेन्योरशिप लिए हैं और मेजर पेपर आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, खोटा या फिर उर्दू, हिंदी, इकोनॉमिक्स है तो आप लोग का इंटरप्रेन्योरशिप होगा सेट 3 के तहत, यानी कि 28 को फर्स्ट सेटिंग में, ठीक है। और अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिए हैं तो आपका मेजर फिजिक्स या केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस या एंथ्रोपोलॉजी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिए हैं तो सेट 1 में होगा आपका, यानी कि 28 का फर्स्ट सेटिंग में होगा, ठीक है। और देखिए देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जो जिनका जिनका मेजर पेपर हिंदी, इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, संस्कृत, उर्दू, खोटा, संथाली है उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा उनका होगा 28 तारीख को सेकेंड सीटिंग में। और देखिए साइबर डिफेंस एंड मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग, फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी, अमानत, गाइडेंस, काउंसलिंग, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा सेकेंड सीटिंग में होगा 28 तारीख को ही, जो जो लिए हैं, ठीक है, उनको चल जाना है। अब देखिए सेक 1 29 को सेकेंड सीटिंग में होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, गेमोलॉजी, गेम टेस्टिंग, जो इन्फॉर्मेटिक्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये सारा
सेकंड सीटिंग में होगा 29 को, 29 को फर्स्ट सीटिंग में कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए ये जो है सो हम 23-27 वालों का बताएं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम स्पेशल है तो 23-27 के साथ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके रूटीन में दीजिएगा, उनके साथ रूटीन में नहीं दे सकते हैं आप, ठीक है। आपका एक दूसरा रूटीन है तो उस रूटीन के अनुसार आप दीजिएगा। ये जो है सो 23-27 के लिए स्पेशल रूटीन है, ठीक है। तो उनका जो है सो न्यू वालों के लिए है, इनके साथ जाकर मान लीजिए अगर आपका भी मेजर वन हिस्ट्री में फेल किए हैं या प्रमोट किए हैं तो क्या इन्हीं के साथ जाके थोड़े दे सकते हैं आप, इनके साथ जाकर नहीं दे सकते, ठीक है। आपका दूसरा रूटीन निकला है, आपका दूसरा डेट भी दिया है, ठीक है, तो उन्हीं उनके साथ जाकर आप देंगे। तो चलिए सर हम 22-26 और 21-24 वालों के लिए कौन सा रूटीन दिया गया है तो उस रूटीन में आप जाकर बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं 22-26 और 21-24 का स्पेशल जो जो फेल किए थे सेमेस्टर वन में और उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वो वाला रूटीन में आ गए हैं। ये स्पेशल वालों का रूटीन है, स्पेशल वाले सिर्फ इसी रूटीन को फॉलो करेंगे, इसके अलावा कोई भी रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग का जो है सारा मेजर पेपर का एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेंड्स मेजर पेपर का एग्ज़ाम छोड़ भी चुके हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को लंबा करके अभी हम बता रहे हैं कि जिनका छूट गया उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, उनको फिर से जब होगा सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम उसी समय देना पड़ेगा, ठीक है। उनके अलावा कोई भी उपाय नहीं, उनका पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। हम बता रहे हैं आप लोग को, हम यूनिवर्सिटी से भी पता किए थे, आपका कोई भी उपाय नहीं है, फिर से एग्ज़ाम आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। होगा जब सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम होगा उसी टाइम आपका भी एक पुराना रूटीन निकलेगा, उन्हीं के साथ देना है। क्लियरोगेशन एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा आप लोग को फिर से जब होगा तब। अब देखिए रिवाइज प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर वन 22-26 एंड यूजी सेमेस्टर वन 21-24 स्पेशल, ठीक है, स्पेशल आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखिए इधर वाला जो रूटीन है, देखिए इधर वाला जो रूटीन है ये 22-26 और इधर वाला 21-24 है, ठीक है। आप लोग को गड़बड़ाना नहीं कि कौन वाला किसका है सो। अब देखिए फर्स्ट सीटिंग में क्या होगा 14 तारीख को आप लोग का, तो फर्स्ट सीटिंग में होगा आईआरसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी होम साइंस उर्दू, और सेकंड सीटिंग में क्या होगा इंग्लिश जेई जनरल इलेक्टिव का ही होगा इधर, क्योंकि पहले जेनरिक इलेक्टिव चल रहा था, ठीक है। और पहले तो 22-26 का हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए 22-26 का ए वाला है और फर्स्ट सीटिंग में ही सिर्फ होगा, ठीक है। 22-26 सेशन वालों का जो स्पेशल लोग हैं उनका सिर्फ फर्स्ट सीटिंग में इधर हो रहा है। तो देखिए आईआरसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी होम साइंस उर्दू जिनका है वो फर्स्ट सीटिंग में जाइएगा 14 तारीख को। आईआरसी जिनका पॉलिटिकल साइंस में बेक लगा था यानी फेल या प्रमोटेड हुए थे वो जाइएगा 15 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। आईआरसी जिनका इकोनॉमिक्स फिलोसफी खोटा जियोलॉजी में प्रमोट किए वो जाएंगे 18 तारीख को। आईआरसी हिस्ट्री जिनका है 19 तारीख को जाएंगे। फिर देखिए क्या आईआरसी सोशियोलॉजी जूलॉजी साइकोलॉजी संस्कृत संथाली कुरमाली LSW जिनका है वो किस को फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे। इनका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में प्रमोटेड है वो 22 तारीख को जाएंगे। एंटरप्रेनरशिप में जो प्रमोटेड है वो 24 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में जाएंगे। फिर 25 तारीख को जो 25 तारीख को जिनका किनको जाना तो हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जो प्रमोट किए वो जाएंगे, ठीक है। और देखिए 26 तारीख को कौन जाएंगे MIL हिंदी वाले जाएंगे जो प्रमोट किए हैं। 27 को जाएंगे जिसमें MIL और नॉन MIL हिंदी वाले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए अब और जो है सो 22-26 का इतना ही था, ठीक है। अब 21-24 वालों का हम बता रहे हैं तो 21-24 वाले ध्यान से सुनिएगा देखिएगा। आप लोग का फर्स्ट सीटिंग में नहीं होगा, सेकेंड सीटिंग में ही होगा सारा एग्जाम, ठीक है, जो स्पेशल वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है 21-24 और वोकेशनल वालों के लिए भी, तो वोकेशनल जो होंगे वो ऑटोमेटिक समझ रहे होंगे, ठीक है, उनका सेशन 23-26 है सो वोकेशनल वाले। और 21-24 देखिए जेनरिक इलेक्टिव पहले चलता था आप लोग के समय, जेनरिक और इलेक्टिव, ठीक है। तो देखिए जिनका जेनरिक इंग्लिश या कंप्यूटर से रिलेटेड था, अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था, केमिस्ट्री JEE में था, उनका 14 तारीख को सेकेंड सीटिंग में जाना है, ठीक है। जिनका जेनरिक इलेक्टिव पोलिटिकल साइंस या फिर पोलिटिकल साइंस जनरल था वो जाएंगे 15 को सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। और जिनका जेनरिक या जनरल इलेक्टिव था साइकोलॉजी ज्योग्राफी होम साइंस जियोग्राफी होम साइंस, ठीक है, तो ये भी जाएंगे 18 तारीख को सेकेंड सीटिंग में। फिर जनरल इलेक्टिव जिनका फिलोसफी फिजिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह है तो 19 को जाएंगे सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। और जिनका सेंस है हिस्ट्री JEE में LSW जियोलॉजी ठीक है जनरल JEE तो 21 को सेकेंड सीटिंग में जाएंगे। बाकी देखिए जनरल इलेक्टिव एंथ्रोपोलॉजी जिनका
था एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एंड लॉ था 22 को जाएंगे सेकंड सेटिंग में। अब देखिए जिनका 25 को था, 25 को इकोनॉमिक्स, जेई, बॉटनी और वोकेशनल में ये सारा जिनका है हो जाएंगे 25 को सेकंड सीटिंग में, ठीक है। बाकी जैन 26 को किन को जाना है, तो जिनका सब्जेक्ट ये सारा है जूलॉजी, अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग, फंडामेंटल कंप्यूटर, ठीक है। और देखिए वोकेशनल कोर ये सारा है, तो ये सब जाएंगे 26 को सेकंड सीटिंग में। 27 को कौन जाएंगे, मैथ वाले जाएंगे, सोशोलॉजी जिनका जेनरिक में है ये सारा लोग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 28 को सेकंड सीटिंग में कौन जाएंगे, तो जिनका एसी हिंदी था फॉर ऑल कोर पेपर, ठीक है, और एसी इंग्लिश जिनका भी था, उर्दू, खोटा, कुरमाली, संथाली फॉर ऑल कोर एंड जनरल, यानी जिनका भी एसी इंग्लिश था वो सारा लोग जाएंगे, और जिनका उर्दू भी था एसी में, खोटा भी था, कुरमाली भी था, संथाली भी था, वो भी जाएंगे, ठीक है, 29 को सेकंड सीटिंग में। तो आई होप फ्रेंड्स जो इतना सारा वीडियो देखे होंगे इतना लंबा, उनको किसी भी तरीके का समस्या नहीं आ रहा होगा, सारा कुछ समझ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 23-27 का अलग रूटीन है, ठीक है, 22-26 का अलग रूटीन है, और 21-24 का अलग रूटीन है। तीनों का रूटीन हम बताए हैं, बढ़िया से बताएँ, डेट वाइज बताएँ, सब्जेक्ट वाइज बताएँ, सारा तरीके से बताएँ, तो आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। और इसके बाद भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जिनको नहीं पता है वो तुरंत पता कर लीजिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगर छूट जाएगा तो। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर हो गया। सबसे पहली बात तो कि आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पुराना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप लोग को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना है और बढ़िया से परीक्षा देना है। कहीं भी अगर आपका दिक्कत होता है तो आपको फिर नंबर बढ़ाने की किसी भी तरह के चांसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, और बहुत सारे समस्याएं आएंगे आप लोग को, तो ज़रूर से बढ़िया से पढ़िए और सारा कुछ कीजिए, ठीक है। और सारा कुछ अगर ये जानकारी जानना है आप लोग को, कुछ अगर पूछना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।